हमारे यहाँ आवेदक पंकज ने आवेदन दिया था कि उसको जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं अजय श्रवण, उनने कहा है कि अगर आपको प्लास्टिक का बिजनेस करना है तो 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। और उनने बोला कि मैं सतीश को पहुंचा रहा हूँ जो उनके यहाँ का कर्मचारी है नगर निगम का, कि आप उसको पैसे दे देना। तो सतीश इनके पास आया, इनने उसको 5,000 रुपये दिए भी तो उसने वापस कर दिए। बोले साहब ने बोला पूरे 10,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। और फिर ये साहब के पास गए तो साहब ने भी इसको काफ़ी डांटा। तो फिर इसने हमारे यहाँ शिकायत करी कि ये 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। आज 10,000 रुपये रहते हुए जो नगर निगम का कर्मचारी सतीश वो रेलवे स्टेशन पे पकड़ाया, और इस बीच में उन्हें अजय श्रवण से भी उनकी बात हुई। अजय श्रवण ने उनको घर पे लेन देन के लिए बुलाया भी था, उसको अजय टाक को। अभी तो कार्रवाई जारी है। स्वीकार हो। नाम मेरा पंकज खुबसनानी है। जी, मेरे को काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, ब्लैकमेलिंग हो रही थी, तुम बिजनेस अपना बंद कर दो नहीं तो तुमको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे हर मंथ। तो मैं परेशान होकर लोकायुक्त आया, मैंने कंप्लेन लिखवाई अपनी। परेशान आपको कौन कर रहा है? ये अजय शर्मा। अजय शर्मा काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे कि अगर धंधा करना है प्लास्टिक का तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे तुमको। कहाँ है आपकी दुकान? मेरी दुकान सिंधी कॉलोनी पे। Thank you.
टाइम एट मध्य प्रदेश से। टाइम एट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।